निकाल के दे दीजिए मुझे, मैं अभी डाल देती हूँ। नहीं देखा दोनों, एक वो निकाल रहा है एंड बुलबुल। नहीं अब मत निकालिए मत, मैं ऐसे ही टाक देती हूँ। हाँ एक्चुअली वो थोड़ा बेहतर है। और वो रखा, बंडल रख ले लिया, वो रख दिया एकदम सामने आ गए, धागा भी सामने आ लगा गई, के। धागा भी का ले लिया। सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू नेवर मिस अनदर अपडेट फ्रॉम इंडिया फोरम्स। बढ़ रही है वीर और बुलबुल की नजदीकियां। मोस्ट पॉपुलर शो बलम थानेदार में आप देखेंगे कि दोनों वीर और बुलबुल अब एक दूसरे के करीब नहीं, धीरे धीरे बेहद करीब आ रहे हैं। हम आपको बता दें कि अपने थानेदार यानी वीर की वर्दी को अच्छे से तैयार करके बुलबुल ने टेबल पर रख दिया है और ऐसे में वीर बाथरूम से बाहर आते हैं और वो टॉवल में ही आ जाते हैं। बुलबुल ने पहले कभी वीर को ऐसे नहीं देखा है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और थोड़ा ऑकवर्ड फील करते हैं। अचानक से वीर जो शर्ट पहन रहा है उसकी बटन टूटी हुई है और बुलबुल उसकी बटन को लगाती है। वीर के शर्ट की बटन लगाते बुलबुल वीर के बेहद करीब आ जाती है। वैसे हम आपको बता दें बुलबुल अभी 18 साल से कम है और उसकी माँ ने कहा है कि अभी 18 साल होने में 6 महीने बाकी हैं और तब तक उसे अपनी ये एज वाली बात छुपा के रखनी होगी, क्योंकि बुलबुल को पता है कि अगर उसके थानेदार को ये बात पता चल गई तो उसकी शादी टूट जाएगी। अब देखना ये है कि अपने जज्बातों पर काबू करते हुए कैसे बुलबुल अपने इस राज को भी छुपा कर रखती है। एग्जैक्टली यही सिनेरियो है कि बुलबुल ने पहले कोशिश की कि वो घर से बाहर निकल जाए, लेकिन फिर उन्होंने अपनी मम्मा के पास जब वो गई तो मम्मा ने पूछा कि तू क्यों ऐसे बिहेव कर रही है, क्यों तूने खाना ख़राब किया, तू क्यों घर से निकलना चाहती है। बिकॉज़ वो भी यही कहती है कि मुझे पता है कि मेरी बुलबुल ऐसी है कि अगर वो कुछ ठान लेती है एक बार तो वो करके ही रहती है, तो अगर तू अच्छा चाहती तो तू अच्छा खाना बना सकती थी, पर तू क्यों ये सब कर रही है। तो फिर वो कहती है कि वो इसीलिए क्योंकि मैं नाबालिग हूँ और मैं चाहती थी वो लोग मुझे घर से बाहर निकाल दे ताकि उन्हें पुलिस आके कोई सज़ा ना दे, तो वहीं इसीलिए क्योंकि मैं ये थानेदार साहब से रिश्ता तोड़ना चाहती हूँ, ये वो अपनी मम्मा को कहती है। तो कोई भी माँ ये नहीं चाहेगी कि उनके बच्चे का अगर एक बार शादी हो गई है तो वो शादी टूटे। कोई भी माँ अपनी बच्ची का घर हमेशा बसा बसाया देखना चाहती है। तो वो भी यही कहती है कि थानेदार सा कहीं से भी रॉन्ग नहीं है, वो हमेशा उन्होंने अच्छी ट्रीटमेंट दी है तुझे, तो तू अलग क्यों होना चाहती है। और ये कुछ 5-6 महीने की बात है, जब तू 18 की भी हो जाएगी और अब शादी हो गई है तो कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, तो तू शादी नहीं तोड़ सकती, वो ऐसे ही कहती है। तो फिर जब बुलबुल का ये है कि वो अपनी माँ की बात बहुत मानती है, वो बहुत ओबीडियंट किड है, तो उसके बाद वो सोचती है ठीक है अब जो भी है ये सच्चाई मैं 6 महीने छुपा लेती हूँ, अगर मेरा घर इससे बस रहा है तो इट्स ओके। तो अब बुलबुल ने इस शादी को बेसिकली एक्सेप्ट कर लिया है और अब यही है कि उनकी मम्मा भी ये कहती है कि कोई भी पति 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 पत्नी वाले वो संबंध मत रखना अभी तुम 6 महीने, तो वो दूर ही रहना चाहती है। मतलब कहीं ना कहीं उसको अच्छा भी लग रहा है कि वो बटन टक करिए, वो कि वो थानेदार साहब की हेल्प करिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो ऑकवर्डनेस भी है, तो ऑकवर्डनेस भी है उसमें, रोमांस भी है वो लोग का कि
बटन टक करते करते, ये सब कुछ बहुत ही को कहते हैं ना, भगवान चाहते हैं तो हो जाता है, तो ये वैसे हो रहा है, कुछ भी प्लान व्लान नहीं है वो लोग का। तो देखते हैं वो ऐसे कैसे कैसे वो क्लोज आते हैं, क्या होता है बुलबुल अठारह की होती है तो कैसे, क्या भांडा फूटता है कि नहीं, फूटेगा तो क्या होगा या फूटेगा ही नहीं, तो कैसा है वो आप देखेंगे।